वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। जय जगन्नाथ एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम, देन आई एम वर्षा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन to get update when I upload another interesting video। हम सब लोग हमेशा कल के चक्कर में अपने आज को ख़राब कर देते हैं। कल की इतनी हम परवाह करते हैं कि आज को हम भूल ही जाते हैं कि आज का जो टाइम है उसे भी हम यूटिलाइज करके कल को बेहतर कर सकते हैं। और मैंने जो शुरू में कहा कि कल क्या पता वक्त हमारे लिए क्या अलग कुछ भी लिख के रखा होगा जो कि हमारी सोच से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा हमारे दिन जो है ना पॉजिटिव थॉट से शुरू करनी चाहिए, और ये पॉजिटिविटी आएगी वहीं से अगर हम योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल में मतलब इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सुबह अपनी योगा और मेडिटेशन को टाइम देती हूँ। और मैं हमेशा से सुबह उठ के पढ़ने वाली हूँ, लेकिन क्या हुआ आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बहुत सारा सर्दी जुकाम है, इसीलिए मैं आज लेट उठी थी। और उसके बाद मैं उठ के अपना जो स्टडी टेबल है उसे क्लीन करके मैं नहा धो के पूजा करके, क्योंकि मैं हर दिन सुबह नहा के पूजा करती हूँ, उसके बाद कुछ खाना खाती हूँ, तो पूजा करके मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और मैं पहले मेरा टू डू लिस्ट, हमेशा मेरा टू डू लिस्ट मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट अगर आप नहीं करोगे तो आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। टू डू लिस्ट और दिन को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको क्या क्या करना है हमें पता होता है, तो इस हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो कहाँ से ये जो 24 आवर एक दिन में हमें मिलता है हमें इसमें सब कुछ करना है। सबको इस 24 आवर ही मिलते हैं। जो लोग टॉपर होते हैं उनको भी मिलते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको भी मिलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक की है जो कि टॉपर्स और हम जो सिलेक्शन नहीं हो पाता उनको अलग करती है। सो मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एग्ज़ाम देती हूँ हर रोज़, और मैं उसके बाद एनालिसिस ऐसे करती हूँ, मतलब ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन लेती हूँ उसके बाद आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे आता था, लेकिन एक छोटी सी मेरे गलती की वजह से ये मेरे 2 नंबर कट गए। तो हमें छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करके अगर हम वही चीज़ को लिखेंगे तो दोबारा वो जो रंग हुआ है वो नहीं होगा। तो उसके बाद मैं लंच करके थोड़ी देर के लिए अपना जो रेस्ट लेके, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है और मैं मेडिसिन ले रही हूँ, और ठंडी की मेडिसिन लेने से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर सो गई थी, और उसके बाद मैं फिर से आ गई वहाँ पर स्टडी टेबल पर। और क्योंकि आज जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उस पर ट्रेन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और मेरा वो गलत हो गया था, तो मैं अभी ट्रेन की वो जो क्लास है उसे कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से करते हो करंट अफेयर, तो मैं करंट अफेयर के लिए इंडोलॉगस को फॉलो करती हूँ। आप लोग देख सकते हो ये लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो PDF। तो आज मुझे स्कीम करना था तो मैं ये स्कीम ऐसे ये लोग देते हैं, और बहुत अच्छे से मतलब आपका स्कीम ऐसे अलग अलग करके देते हैं, तो आपको एक फ़ायदा भी होता है। सो ये सब ख़त्म करते करते मुझे ऑलमोस्ट 5 बज गए थे, और मैं आ गई किचन में, और मैं ये देख रही हूँ कि मेरी मम्मी गुलाब जामुन बना रही है, और गुलाब जामुन मेरा ऑल टाइम फेवरेट मिठाई है। तो ये तो बनने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल और पपाया लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बाहर बैठ के थोड़ी देर ऐसे मतलब ये सब खाऊंगी और बाहर थोड़ी देर बैठूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं अभी बाहर बैठ के अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाहर बच्चे भी खेल रहे थे, तो मैं वो भी देख रही थी।
और उसके बाद मेरी चाची आ गई गांव से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मेला लगा था तो देख हमें जाना है, तो मैं मना नहीं कर पाई, मैं चली गई। और वैसे भी मैं अभी घर आई हूँ तो थोड़ी तो एंजॉयमेंट होनी चाहिए। मैं जब हॉस्टल में होती हूँ तो बिल्कुल पढ़ाई 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 ही करती हूँ, और मेले में आने के बाद हर लड़की मतलब ये रिलेट कर पाएगी कि इयर रिंग्स की स्टोर पे तो हर लड़की जाती होगी। और ये कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें यहाँ पे थी यार, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे फीमेल थे जो बेच रहे थे, मतलब फीमेल हम लोग भी हर एक जगह पे अभी काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे एक नर्सरी थी तो हम इतने सारे लेके चले आए ट्री। और ये मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार इस लड़की को, इस छोटी सी बच्ची को देखो, इसको आता भी नहीं था डांस करना, लेकिन वो जाके सबके सामने कॉन्फिडेंटली डांस कर रही थी। मतलब हम लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सो, मेले से आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और वैसे तो मैं वहाँ से खा के आई थी तो मुझे भूख भी नहीं थी, तो मैं आके डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठ गई। और बाहर घर वाले सब बात कर रहे थे लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था तो मैं आके अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी ख़त्म करते करते मुझे ऑलमोस्ट 10:10 o'clock हो गए थे, और उसके बाद मैं सो गई थी। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे वीडियो। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे मतलब 98% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इससे तो पता चलेगा ना हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा बड़ा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड हमारी फैमिली को और बड़ा बनाओ, क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।